अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद हम फिर उसको देखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन है आपके पास एन इक्वेशन इन एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। कोई भी इक्वेशन अगर वो इस फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगी जी, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पर कंडीशन होती है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होगा वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी आपके पास है जी ए बी सी, ये सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं जी यहाँ पर इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नाम स्टूडेंट्स हम इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है जी। जब भी आपको वो इक्वेशन दे दे और ओके क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड पर जीरो बनाना है, फिर आपने क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, फिर एक्स वाली लिखनी है, फिर आपके पास क्या आना चाहिए कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड पर क्या आना चाहिए जी, आपके पास जीरो आना चाहिए जी। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी हम, एग्जाम्पल है जी हमारे पास नंबर वन पर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x है और प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू जीरो। नंबर टू पर है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नंबर थ्री पर है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू जीरो, और नंबर फोर पर है जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू जीरो। हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस कंडीशन को फुलफिल करती है या नहीं करती। इस इक्वेशन को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 विच इज़ इक्वल जीरो, ये इसी फॉर्म में ही है जी। बिल्कुल आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म है, और आपके पास क्या जी 12 कांस्टेंट भी है विच इज़ इक्वल टू जीरो है, राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या है जी जीरो है। सेकंड भी देखें तो आपके पास क्या जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड की बात करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है जी? आपके पास जो एक्स स्क्वायर है, अननोन क्वांटिटी है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है जी? 2। अगर तो हाईएस्ट पावर 2 है तो वो आपके पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक है। यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट? अगर यहाँ पर आपके पास बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, जीरो डॉट एक्स आपके पास क्या बन जाएगा जी, जीरो। बाकी आपके पास रह जाएगा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और इस इक्वेशन का नाम होता है जी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और दूसरी आपके पास क्या हो जी, कांस्टेंट हो, राइट हैंड साइड पर जीरो हो, उसको हम कहते हैं जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम कहते हैं जी। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है जी? ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। इस इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। बिल्कुल है, ये आपके पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि आपके पास अननोन क्वांटिटी क्या है जी, एक्स है, और एक्स की आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है जी, 2 है, और हमें यही चाहिए था। अगर आपके पास कोई भी अननोन क्वांटिटी है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसको हम कहते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। ये भी आपके पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। इट मीन्स अगर इस फॉर्म को देखा जाए, आपके पास क्या है जी, बी भी जीरो हो सकता है और सी भी जीरो हो सकता है। नहीं जीरो हो सकता तो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता। लास्ट पर अगर हम देखें तो आपके पास क्या जी, 5x स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास क्या जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। और एट द एंड अगर हम इस डेफिनेशन को कंक्लूड करें, जब भी आपने कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास 3 टर्म का होना जरूरी है जी। कौन कौन सी टर्म? एक आपके पास एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, एक आपके पास x वाली होनी चाहिए, एक आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, और राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए। जब भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास 3 टर्म का होना जरूरी है। लेकिन जब भी आपने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, उसके लिए आपके पास क्या है जी, 2 टर्म का होना जरूरी है। वो कौन कौन सी? एक एक्स स्क्वायर वाली और दूसरा आपके पास क्या है जी, कांस्टेंट टर्म होना
ज़रूरी है और राइट हैंड साइड पर होना जीरो जीरो होना ज़रूरी है जी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं जी, कौन कौन से हैं जी। नंबर वन पर आपके पास है जी बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। नंबर टू पर है जी आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर थर्ड पर आपके पास है जी बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको अगर वो इक्वेशन दे दे वो कहे जी आपने इसको सॉल्व करना है जी, सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है जी उस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने देखना है जी आया कि वो आपसे कहता है जी फैक्टराइजेशन से करो या फिर कंप्लीटिंग स्केयर से करो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो। जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए फिर आपने कहें अगर वो आपसे कहता है जी फैक्टराइजेशन से तो फैक्टराइजेशन से कर देंगे, अगर वो कंप्लीटिंग स्केयर से कहे तो कंप्लीटिंग स्केयर से करना है, अगर वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करना है जी। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 4.1 में वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जितनी भी इक्वेशंस आपको गिवन है आपने उसको सॉल्व करना है जी किससे, बाय फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर टू है जी इसका। सबसे पहले आपने देखना है जी आपके पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल जीरो। अगर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लिया करेंगे जी। तो हम देखते हैं जी आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है जी बिल्कुल, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर आपके पास क्या जी कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या जी जीरो जी। अब वो कहते हैं जी आपने इसको फैक्टराइजेशन से करना है जी, तो फैक्टराइजेशन से करने का तरीकाकार ये है, दी गई इक्वेशन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को क्या करना है जी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है जी। कांस्टेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना बनता है जी 12x² बनता है जी। अब आपने क्या करना है, आपने दो ऐसे इंटीजर लेने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12x² बनना चाहिए, और उन्हीं को अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या बनना चाहिए जी 7x बनना चाहिए जी। ये सारे पेयर्स आपको थोड़े बहुत बनाने भी आते हैं जी। सोल्यूशन आ गया जी आपके पास x² प्लस, यहाँ से आपके पास बन जाएगा जी 4x और ये बन जाएगा 3x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं इन पहली दो टर्म्स में से देखते हैं क्या कॉमन आता है, ये आ जाएगा आपके पास x कॉमन आ गया, ये बन गया आपके पास x प्लस 4। और आपको पता है, पता होना चाहिए कि जो फैक्टर आपके पास इधर बनता है वही फैक्टर आपने आगे बनाना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी 3 कॉमन ले लेते हैं जी, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 4 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। चूँकि हमें चाहिए जी x की वैल्यू, यहाँ तो आपके पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी माइनस 4 और माइनस 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 9x² माइनस 12x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी हमने क्या करना है जी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है जी। अगर मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास माइनस का 45x² आ जाएगा। अब आपने दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं कि उनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनना चाहिए माइनस का 45x² बनना चाहिए, और उसने दोनों को प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 12x आना चाहिए। क्या ख्याल है, अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना बनता है जी 45, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वो कितना बनता है आपके पास 18, यहाँ पर तो हमें माइनस 12 चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं माइनस का 15 लूं और प्लस का 3 लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी माइनस 12 आ जाएगा जी। तो फैक्टर बन के इसके 9x² माइनस का 15x आ जाएगा और प्लस का 3x आ जाएगा माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 3x और माइनस का 5 आ जाएगा प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ भी कॉमन आया हुआ है वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं जी, 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या तो आपके पास 3x माइनस 5 विच इज इक्वल 0 होगा या फिर आपके पास 3x प्लस 1 विच इज इक्वल 0।
थ्री एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी, फाइव एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, फाइव ओवर थ्री आ जाएगा। और यहाँ से थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, माइनस वन ओवर थ्री आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट है जी आपके पास माइनस वन ओवर थ्री आ जाएगा और फाइव ओवर थ्री आ गया जी, ये आपका क्या है जी, सोल्यूशन सेट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हमने इसको सॉल्व करना है जी बाय फैक्टराइजेशन से। क्या है आपके पास क्वेश्चन, एक्स इंटू एक्स प्लस सेवन है विच इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर है जी। क्या ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास एट एक्स, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स और माइनस का फोर आ जाएगा। टू इज ग्रेटर देन फ्राम वन, यानी कि आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स विच इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, टू एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा जी सेवन एक्स और माइनस का फोर आ जाएगा। अब ये बन जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का सेवन एक्स आ जाएगा, ये भी उधर जाकर क्या आ जाएगा जी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस फोर एज इट इज़, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट आ जाएगा और ये रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर और ये माइनस का फोर विच इज़ इक्वल टू जीरो। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं जी, एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जीरो। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ तो आपके पास एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है या फिर एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी, टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपके पास माइनस टू आ जाएगा। आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस टू और टू आ जाएगा जी।